Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to start up a new chapter that is provinces of Pakistan and their culture. Pakistan is one of the diversified country in essence in terms of its culture, landscape and climate. Pakistan is four provinces. These are Punjab, Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. Each province has its own distinctive features. As we all know that Pakistan has four provinces and Four provinces of Pakistan has province ka different culture. Hai. Theke, different culture, hai, different language, hai, different dresses, hai, food, each and everything is different. हर चीज़ जो है वो बहुत यूनिक है एक दूसरे से और हर चीज़ कंप्लीटली क्या है डिफरेंट है ठीक है और पाकिस्तान कल्चर के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है कि पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है ठीक है नाउ पंजाब Today, we are going to study the culture, the detailed culture of Punjab. The Punjab word introduced by Mughal in 17th century AD. Punjab word is it? Mughal's, Mughals the word, word is Punjab, which was in 17th century word because of five rivers. Punjab is the most fertile and most populated province of Pakistan. It has approximately 56% of the country's total population. पंजाब पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं जस्ट बिकॉज पंज मीन्स फाइव एंड आब बीन वॉटर इस टू वर्ड्स को मिला के जस्ट बिकॉज पंजाब में फाइव रिवर्स मौजूद हैं इसलिए पंजाब का नाम पंज आब रखा गया बेसिकली दिस इज पंज आब लेकिन इंफ्लुंशियर प्रोनाउंसिएशन के बाद ये पंजाब वर्ड बन गया टोटल पाकिस्तान की फिफ्टी सिक्स अप्रोक्सीटली फिफ्टी सिक्स परसेंट पॉपुलेशन पंजाब से आती है मतलब सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन जो है प्रोविंस पंजाब में है जिस बॉर्डर्ड अब, विद कश्मीर और पंजाब के साथ साथ कौन सा प्रोविंस लगता है प्रोविंस लगता है हिस्टोरिकली पंजाब रीजन हैज़ बीन द गेट वे टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर इन्वेडर्स हु कम फ्राम ग्रीस सेंट्रल एशिया ईरान एंड अफगानिस्तान इसके साथ साथ पंजाब का बॉर्डर जो है और भी डिफरेंट कंट्रीज uh, के साथ लगते हैं फॉर एग्जाम्पल

इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पंजाब की तरफ से ही आती है इसके साथ साथ मुग़ल भी ज़्यादातर रिलेटेड कहाँ से थे पंजाब से थे ये तमाम जितने भी एंडसस्टर्स हमारे जो प्रीवियस लोग थे एम्पायर मुग़ल एम्पायर ये तमाम ये जितने भी लोग थे सब किससे रिलेट करते थे पंजाब से रिलेट करते थे लाहौर फैसलाबाद मरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद बहावलपुर एंड सियालकूट आर द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ पंजाब लाहौर को तो सब जानते हैं ठीक है लाहौर अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है इसके साथ साथ मरी मरी ब्यूटीफुल प्लेस मरी जो है वो कहते हैं मरी में लोग घूमने फिरने भी जाते हैं टूरिस्ट के लिए लोग टूरिस्ट भी बाहर से आते हैं इसके साथ साथ रावल पिंडी इस्लामाबाद ये तमाम जगह जो है माउंटेनियस हिल्स हैं यहाँ पर जो है लोग बाहर से भी आते हैं घूमने फिरने के लिए और यहाँ पे भी लोग जो है इन जगह में घूमने फिरने जाते हैं इसके साथ साथ सियालकोट भी है सियालकोट बेसिकली ये फौजियों का इलाका भी हम इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फौजी आ, फौजी लोग भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं नाउ नेक्स्ट लाहौर लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब इट वॉज सेंटर ऑफ मुस्लिम पावर ड्यूरिंग द टुर्किश डायनेस्टी लाहौर को हम सेंटर ऑफ पंजाब कैपिटल ऑफ पंजाब भी कहते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे टुर्किश डायनेस्टी यहाँ पे डायनेस्टी की बहुत बड़ी बहुत ज्यादा पावर थी ठीक है देयर आर मेनी मैग्निफिशेंट इन लाहौर लाहौर फोर्ट बादशाही मस्जिद एक्सेट्रा इसके साथ साथ ला, लाहौर में बेशुमार हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग मौजूद है बादशाह मस्जिद है लाहौर में लाहौर फोर्ट है मीनार पाकिस्तान है ठीक है ये तमाम जगहें जो हैं वो लाहौर के अंदर मौजूद है और यूजली लोग जो है हिस्टोरिकल हिस, हिस्टोरिकल जगहों पे विजिट करना पसंद करते हैं तो वो यूजुअली लाहौर को ही प्रेफर करते हैं इसके साथ साथ पाकिस्तान रेजोलूशन ऑन ट्वेंटी मार्च नाइनटीन फोर्टी सेवन वॉज ऑल्सो इन लाहौर ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइन फोर्टी सेवन में जो पाकिस्तान डे जो हम मनाते हैं जिसमें पाकिस्तान रेजोलूशन पाकिस्तान की क्यादत की गई थी जो कि ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन फोर्टी सेवन में हुई नाइनटीन फोर्टी में हुई थी तो उस जिस जगह पे लामा इकबाल ने अपनी स्पीच दी थी उस जगह पे क्या कायम किया गया था मीनारे पाकिस्तान कायम किया गया था और वो कहाँ मौजूद है मंटो पार्क के अंदर जिसको हम इकबाल पार्क भी कहते हैं जिस पार्क में मीनार पाकिस्तान मौजूद है उस पार्क को मंटो पार्क भी कहते हैं इसके साथ साथ तो उस पार्क को इकबाल पार्क भी कहते हैं नाउ यू कैन सी दिस दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बादशाही मस्जिद अ ब्यूटीफुल मॉस्क इन लाहौर बादशाही मस्जिद विच इज़ वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल इसका एक 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 आर्किटेक्चर जो है वो बहुत यूनिक स्टाइल का है जिसके बाद जो है इस आर्किटेक्चर की इस आर्किटेक्चर जैसी कोई मस्जिद जो है वो दोबारा नहीं बनाई गई इसका एक एक आर्टिटेक्चर जो है बहुत ही ख़ूबसूरत है इसके साथ साथ ये क्या है मीनार पाकिस्तान और इस पार्क को हम क्या बोलते हैं इकबाल पार्क भी कहते हैं ठीक है ठीके? और इस जगह पे एक इलाम इकबाल ने जो है वो, वो वो पाकिस्तान डे की जो है वो स्पीच दी थी देन इज लाहौर फोर्ट जिसे हम आ, किला भी कहते हैं ये किला है लाहौर फोर्ट पंजाबी इज अ प्रोविंस लैंग्वेज ऑफ पंजाब पंजाबी इस पंजाब की लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं पंजाबी कहते हैं लेकिन हर सूबे के लिहाज से हर जगह के लिहाज से डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स हैं ठीक है इन मोस्ट ऑफ द विजेस ऑफ पंजाब मीन मेन्स वेयर कुर्ता धोती एंड खुस्सा पंजाब के लोग पंजाब के जो वहां के रहने वाले मेन्स हैं वो क्या पहनते हैं यूजुअली कुर्ता धोती और खुदा उनका ड्रेस क्या होता है वो कुर्ता धोती और खुदा वेयर करते हैं जबकि वुमेंस वेयर कलरफुल शलवार कमीज परांदा दुपट्टा एंड चप्पल वुमेन्स क्या वेयर करती है शलवार कामीज परांदा परदा क्या होता है वो जो सर पे बांधा जाता है जो बालों के साथ जो वो नीचे आ रहा होता है दुपट्टा और चप्पल वेयर एस इन अर्बन एरियाज ऑफ़ पंजाब मेंस एंड फॉलो द लेटेस्ट ट्रेंड इन फैशन विच, विच विच दे जनरली वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शलवार कमीज इसके साथ साथ तो अर्बन एरियाज और जो लोग जो है शहर में रहते हैं ये जो मैंने बात करी कि मेन्स जो है वो धोती शलवार और चप्पल पहनते हैं पहनते हैं ये इंटीरियर साइड ऑफ पंजाब की बात हो रही है वहाँ पे इंटीरियर साइड में जो आज भी अपनी सका को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं वहां पे लोग वैसी ड्रेसिंग करते हैं लेकिन पंजाब भी अब बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज मॉडर्नाइज और डाइवर्सिफाई हो हो चुका चुका है बहुत चुका है बहुत ज़्यादा तो इसलिए वहाँ के वहाँ पे जो शहर के रहने वाले लोग हैं तो वो लोग जो है अब लेटेस्ट ट्रेंड को यूज़ करते हैं जैसे हम लाहौर की बात करें तो लाहौर का फैशन जो है वो सबसे ज्यादा हाईफाई होता है लाहौर का ये फैशन जो है जब ओल्ड हो जाता है तो वो कराची की तरफ आता है तो वहां पर भी जो है वहां के जो अर्बन लोग हैं वो बहुत ज्यादा फैशन लेटेस्ट फैशन और ट्रेंड्स को फॉलोअप करते हैं ना यू कैन सी दैट दिस इज़ द ओल्ड फैशन ऑफ पंजाब शलवार कमीज और शलवार कमीज खुस्सा दिस पगड़ी या आप देख सकते हैं इन्होंने धोती पहनी हुई है इन्होंने घाघरा पहना हुआ है ये जो है पंजाब का जो है ओल्ड कल्चर था पंजाब में जो इंटीरियर साइड पर ओल्ड रहने वाले पंजाब के लोग थे तो वो इस तरीके की ड्रेसिंग को जो है पसंद करते थे पंजाबीस इज नोन फॉर इज डिलीशियस स्पाइसी एंड बटर लोडेड फूड थ्रू आउट द वर्ल्ड पंजाबी का फूड सबसे ज़्यादा जो है वो डिलीशियस और स्पाइसी होता है और बटर लोडेड क्यों देसी घी देसी घी में बना हुआ जो है वो उनका फूड होता है पंजाबी की स्पेशलिटी क्या है सरसों का साग एंड मकई की रोटी इज द ट्रेडिशनल डिश ऑफ पंजाबी लस्सी इज अ फेवरेट ड्रिंक ऑफ़ पंजाबी जिस मेड अ बीट एंड कर्ट सरसों का साग साग जो है वो एक तरीके से ग्रीन लीव्स और हर्ब्स हैं सरसों का साग और मकई की रोटी मकई की रोटी और सरसों का साग जो है वो एक बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली और ट्रेडिशनल डिश है पंजाबियों के इसके साथ साथ लस्सी लस्सी कैसे बनती है योगर्ट को बहुत ज़्यादा बीट करने के बाद जब वो क्या बनती है लस्सी बनती है तो ये दो चीज़ें जो है पंजाब की स्पेशलिटी है और ये नेशनल डिश भी है पंजाब की नाउ यू कैन सी दैट दिस इज सरसों का साग एंड मकई की रोटी इसके है इसके प्रोवाइट जो दिख रहा है आप लोगों को क्या है ये ये घर में बनाया गया मक्खन होता है जो ये लोग बनाते हैं और इसके ऊपर डालते हैं प्योर देसी और प्योर क्या बोलते हैं इसको प्योर चीज है बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती हर चीज जो है घर में बनाई बनाई होती है इन्होंने Now Punjabi is a font of Kabaddi which is also popular in other parts of Pakistan. It is also played on national level. Other games begin played in Punjab region including Gulli Danda, Yasu Panju, Ludo, Hide and Seek, Baraf Pani, Kanche and some major sports including cricket, boxing, horse riding, hockey and footballs. National horses and cattle shows are Lahore. At Lahore is the biggest festival when sports, exhibition and livestock competitions are held. पंजाबी खेल के मामले में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं उस वहाँ पे पंजाबी में क्या क्या खेले जाता है कबड्डी कबड्डी इज़ अ टाइप ऑफ अ फाइटिंग ठीक है कबड्डी जो है फाइटिंग होती है जो कि मिट्टी के ऊपर खेली जाती है इसके साथ साथ यस्सु पंजू जो हाथों से फिंगर्स से खेला जाता है लूडो लूडो को आप सब जानते हैं हाइड एंड सीख भी आप सब जानते हैं बर्फ पानी बचपन में खेले हुए गेम्स है सारे कंचे कंचे समाओ टाइप ऑफ अ बॉल्स क्रिस्टल्स बॉल जिससे जिसको मिट्टी में खेला जाता है इसके साथ साथ वहाँ पर क्रिकेट बॉक्सिंग हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा होती है हॉकी बहुत ज़्यादा खेली जाती है फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेली जाती है तमाम स्पोर्ट्स जो हैं वो पंजाब के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो कि वो लोग डेली बेसिस पे जो है खेलना पसंद करते हैं ठीक है नाउ दीज आर द गेम्स विच पंजाबी प्लेस दीज आर कंचे जिसका मैंने कहा ना कंचे फिर ये लोग गुल्ली डंडा भी एक तरीके का गेम है जो ये लोग खेलते हैं नाउ दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टूडेज टॉपिक आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड